कई ऐसी सीटें हैं जो मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से कहीं 120 सीटों से जीत और हार तय हो गई, कहीं 400 सीटें, कहीं 450 सीटें, ये 2017 के आंकड़े मेरे पास हैं। जैसा कि जिक्र कर बिल्कुल 400 वोट वो आंकड़े मेरे सामने हैं। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है, मुझे लगता है कि एक एक करके मैं जानकारी भी दे देती हूँ और लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं। देखिए वो 22 कौन कौन सी सीटें हैं, भरमौर, जहां पर बीजेपी थोड़ी आगे है, कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है भरमौर सीट पर, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट है। बीजेपी के जियालाल पिछली बार जीते थे, चंबा जिले में आती है और 2003 से अगर देखें तो हर 5 साल में यहां पर विधायक बदल जाता है, भरमौर सीट का ये हाल है। इंदौरा, बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है, एग्जिट पोल का ये अनुमान है, कांग्रेस पार्टी पीछे से टक्कर दे रही है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक रीता धीमान को ही मैदान में उतारा है, लेकिन पिछली बार 1095 वोट से ही रीता धीमान ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराया था और इस बार भी इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जवाली, कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त बीजेपी के ऊपर बनाए हुए है, पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, कांगड़ा जिले में आती है, 8000 मतों के अंतर से कांग्रेस पार्टी ने इस जीत को दर्ज किया था जवाली में। जसवान प्रागपुर की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां पर टक्कर में आगे चलती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस के मुकाबले। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर यहां पर मैदान में हैं, 1990 से बीजेपी लगातार जीत रही है, सिर्फ 2007 की अगर हम बात करें, 1990 से लगातार जीती हुई, सिर्फ एक बार 2007 में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन उस समय बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 250 वोटों से ही हराया था। आगे की और भी आंकड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, बैजनाथ का आंकड़ा हमने आपको दिखाया है कि कैसे कांग्रेस वहां पर लीड लिए हुए है बीजेपी के ऊपर। लाहौल स्पीति का आंकड़ा भी आपके सामने रखा, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, बीजेपी थोड़े मार्जिन से आगे चल रही है। मनाली में कांग्रेस आगे चल रही है लेकिन कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी। जोगिंदरनगर में बीजेपी आगे चल रही है, कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी। बाकी भी सीटों पर मैं आऊंगी लेकिन जल्दी से प्रदीप गुप्ता जी, इन सीटों पर भरमौर में, और छोटी सी बात आपके आगे जोड़ते हुए बता दूं जो कि बहुत अहम है इस मामले में, जब क्लोज लड़ाई हो रही है तो 4 से 8 जो अदर्स हैं मैं उनकी चर्चा थोड़ी करना चाहूंगा। डेहरा के अंदर होशियार सिंह, सरकाघट के अंदर मुनीश शर्मा, ये सब इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, जिनके की जितने की जीतने की संभावना है, पूछ रहे बागी है, ये इसमें से कुछ बागी हैं, कुछ पहले से इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। जैसे होशियार सिंह की बात करें तो पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था, 3 महीने पहले तक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी लेकिन जब उनको टिकट नहीं दी गई तो वापस इंडिपेंडेंट आ गए होशियार सिंह डेहरा से। तो इस हिसाब से केएल ठाकुर नालागढ़ से वो इंडिपेंडेंट है, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो 4-6 उम्मीदवार हैं इनका भी अहम रोल हो जाएगा यदि मामला बहुत करीबी का हुआ और हंग असेंबली की स्थिति बनी तो। आपको लग रहा है कि हंग असेंबली की भी स्थिति बन सकती है अगर बागी और निर्दलीय वहां पर तस्वीर पलट देते हैं तो? यदि 8 सीटें, जैसे 4 से 8 दी है, यदि के 8 सीटें इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं इसका मतलब ये तय है कि हंग असेंबली है। ठीक है, यदि के 4 जीत रहे हैं तो 34 और 35 टाइप की जीत हो जाएगी एक एक सीटों पर। जल्दी से, एक्चुअली जो रिवेल का जो होता है मामला, चूंकि इतना जैसा कि गुप्ता जी ने भी कहा कि छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतदाता उनकी संख्या कम है, बिल्कुल ऐसे में कई बार जो पर्सनल कांटेक्ट होता है वो बड़ा असर डालता है। इसीलिए बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो तो रिवेल उतना फर्क नहीं डालते, लेकिन यहाँ 1000-2000 वोट का भी फर्क अगर पड़ गया तो पाजी पलट जाती है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री फोन करके अपने बागियों को मनाने की कोशिश में लगे थे, हालांकि कितनी कामयाबी मिली ये तो चुनाव के जब फाइनल नतीजे सामने आएंगे उसी समय पता चलेगा। लेकिन 22 बागी भारतीय जनता पार्टी की, क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, यह बड़ा सवाल है। जल्दी से और भी जो आंकड़े हैं अपने दर्शकों को बताते हुए उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। धर्मपुर में कांटे की टक्कर है, बीजेपी अपनी लीड यहां पर बनाए हुए है। सरका घाट में अन्य यानी कि जो अदर्स हैं, जो निर्दलीय हैं, वो अपनी लीड बनाए हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस पीछे चल रही है लेकिन यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सुजानपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है लेकिन कांग्रेस कड़ी और बड़ी टक्कर दे रही है। बड़सर सीट पर कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी कांटे की टक्कर में पीछे लगातार फाइट में है। जबकि बाकी की सीटें ऊना भी अपने आप में महत्वपूर्ण सीट है, यहां पर आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी थोड़े मार्जिन के साथ ही सही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। झंडूता में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर अपनी बढ़त बनाए हुए है लेकिन कांटे की टक्कर में बीजेपी क्या कमाल कर जाएगी महत्वपूर्ण होगा। घुमारवी यहां पर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी अपनी लीड बनाए हुए है। बिलासपुर में कांग्रेस आगे चल रही है लेकिन बीजेपी टक्कर दे रही है। अर्की में ये एग्जिट पोल है, आपको बताते चले ये एग्जिट पोल है, एक अनुमान है, लोगों से बातचीत के आधार पर अनुमान लगाया गया है जिसके आधार पर ये आंकड़े
एक्सिस माय इंडिया ने प्रदीप जी की ओर से देश के सामने रखे गए हैं, ये अनुमान है। लेकिन अनुमान इनका किस तरह का रहा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आज तक के हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं। जब सीट टू सीट का 2019 में तो कमाल किया था प्रदीप जी ने, तो इसी वजह से आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। घुमारवी में बीजेपी आगे चल रही है, बिलासपुर में कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर है, लेकिन कांग्रेस अपनी लीड बनाए हुए है। अर्की में कांग्रेस पार्टी आगे की ओर बढ़ती हुई, निर्दलीय आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। अर्की में कांग्रेस आगे है और सेकंड नंबर पर निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है वो यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं। अब ये क्या बागी है प्रदीप जी से मैं पूछूंगी इसके बारे में। दून में भारतीय जनता पार्टी की लीड है, कांग्रेस टक्कर दे रही है। कसौली में कांग्रेस पार्टी आगे की ओर चलती हुई, अनुमान के लिहाज से टक्कर दे रही है बीजेपी, लेकिन कसौली में कांग्रेस आगे। पछाड़ में बीजेपी आगे, ठियोग में कांग्रेस बीजेपी अन्य के बीच मुकाबला है, लेकिन ठियोग में कांग्रेस पार्टी आगे की ओर चलती हुई नजर आ रही है। और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इनमें से 22 सीटों में से वो कुल कितनी सीटें हैं जहां पर बागियों ने खेल बिगाड़ने का काम किया है बीजेपी के लिए? आपने पूछा था अर्की का कांग्रेस और इंडिपेंडेंट के बीच में फाइट है, तो राजेंद्र ठाकुर जो है वो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार है। यहाँ पे जो लड़ रहे हैं और जिनके जीत की संभावना है कांग्रेस के साथ वो राजेंद्र ठाकुर है। राजेंद्र ठाकुर बागी उम्मीदवार हैं अर्की से, कांग्रेस पार्टी के बागी, तो वो इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और उन दोनों में से कोई भी जीत सकता है, कांग्रेस फिलहाल लीड कर रही है, बट बागी का जैसे पता नहीं चलता वो जीत सकते हैं। ये जो 22 सीटों का आंकड़ा हमने प्रदीप जी सामने रखा है, इनमें 11 सीटों पर बीजेपी थोड़ा मजबूत नजर आ रही है और 10 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, और एक पर निर्दलीय ज्यादा महत्व मजबूत नजर आ रही है। वाली सीट जो है हाँ, जबकि एक सीट पर सीपीएम भी मुकाबले में यहाँ पर नजर आ रही है। सीपीएम हमेशा से एक सीट जीतते आ रही थी, इस बार उसके जीतने की कम संभावना है, लेकिन कड़ी टक्कर दे रही है। कड़ी टक्कर, पक्की सीट होती थी। बीजेपी से है कांग्रेस, बीजेपी से।